भैया भैया कौन था तुम्हारा वो फ्रेंड जो मिलने आया था? क्यों फ्रेंड से तुझे क्या मतलब है? बोल बोल बोल। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। इसमें इतना गुस्से में क्यों पूछ रहा? ऐसे क्यों पूछ लिया? उसका नाम क्या है यही तो बताना है आपको, बताओ ना। अरे हद कर रही है, क्यों उसका नाम क्यों पूछेगी तू? कहा ना, ऐसे ही पूछ लिया, लाइन मार रहा था मुझ पे। ए होश में तो है? तुझ पे लाइन मार रहा था? अपनी शक्ल देखिए, चिपड़ी सी शक्ल है। वो बेचारा मेरे साथ बैठा हुआ, हम लोग फोन चला रहे थे यहाँ पर, दैट्स ऑल, और तुझ पे लाइन मार रहा था। चल भैया, अगर मेरी बात पर आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, तो नहीं आए, जरा ध्यान रहे। मैं बुला रही हूँ मिर्ची दीदी को, सुधार देगी उसको। टेक इट एज अ वार्निंग, नेक्स्ट टाइम वो घर पर ना आए। और इतना इजी नहीं समझे, मैंने भी पता क्या किया था, मैंने भी अपने आईज फ्लटर किए ऐसे करके देखे, और फिर चली गई। अब वो बेचारा एक टकटकी से देखता रहा, और तुम्हारे सामने ऐसे फोन पकड़ा हुआ था, देख मुझे रहा। अगर वो दोबारा आ गया ना भैया, जरा ध्यान रहे। ए चुप कर, तब बकवास तुझे देखेगा टकटकी से। और तूने उसको आई स्वेयर, तूने उसके लुक्स दिए हैं, लव लुक्स। तू बंदी है क्या है? मैं क्या हूं ये तो उसको अगली बार पता चलेगा। एंड मिर्ची दीदी अगर आ गई ना, उसके ऐसे मिर्ची लगाएगी कि सुधर जाएगा। नेक्स्ट टाइम किसी के घर जाएगा ना, तो नजर नीचे करके आएगा, लड़कियों से डरेगा। दोबारा अगर आ गया, टेक इट एज अ वार्निंग। टिंग टिंग, हेलो। अब दोनों सहेलियां बात कर रही हैं। हेलो सुन, तू फोन मिला। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, सो व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, कॉमेडी के अंदर मेन चीज ये होता है कि कितना कॉमिक सिचुएशन है। आपके कपड़े किस टाइप के हैं? ये तो खैर मैंने छोटा सा एक मोनो एक्टिंग दिखाया था। और आपके कपड़े किस टाइप के हैं, आपका लुक टाइप का है, आप किस सिचुएशन में हैं, और उसके बाद टाइमिंग के ऊपर डिफरेंट होता है कि आप सीधा खट से, और राइटिंग के ऊपर होता है कि कॉमेडी किस क्लास की है, किस ढंग से आपने बात करी, और करने के बाद आप निकले। कई बार हम लोग लाफ्टर ऐड कर देते हैं कॉमेडी को थोड़ा और एक सोच देने के लिए, जैसे पुराने सीरियल में हुआ करता था। और कई बार हम लोग बिना लाफ्टर के सिर्फ वहाँ पर जो हल्का सा पॉज देते हैं, स्पेशली ऑन द स्टेज। 2005 जब हम लोग कर रहे थे, जिसका मैंने उस राइटिंग का नाम मैंने दिया है बेगम कहाँ चली, उसके अंदर जब नौकर इस्टेब्लिश हो गया फर्स्ट सीन के बाद, सेकंड सीन के बाद, तो उसी तरीके से जो साला था वो अपने रोल में इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गया था। खैर वो गाना भी गा रहा था, ओ ओ जाने जाना, तो उसकी एंट्री, इन लोगों की एंट्री होते ही एक पब्लिक में अम्यूजमेंट की आंखें खुल जाती थी, और वो लोग देखने लगते थे कि हाँ कुछ होने वाला है। एंड नौकर वो बंदा था जिसको बिल्कुल ही एक्टिंग नहीं आती थी। सो इफ यू आर लर्निंग देन डोंट गेट डिप्रेस्ड, कीप ऑन लर्निंग। लेकिन अपना परफॉर्मेंस करते वक्त, जो इस बार भी मैंने करा है, कि परफॉर्मेंस के टाइम में आप लाइंस में मत अटको। टेल योर टीचर कि वो थोड़ा लाइंस में लोचा मारने दें, आगे पीछे लाइंस होने दें, और उसके बाद आप स्टार्ट हो जाओ। तो मुझे याद है अच्छे से कि वो पाल नाम का बंदा था, समवेयर फ्रॉम बिहार, और वो जब फर्स्ट टाइम आता है तो, और पे कर चुका था जो हमारे प्रोड्यूसर थे, जो लिटिल थिएटर ग्रुप LTG मंडी हाउस में हुआ था, वो पे करने के बाद वहाँ पर, और बेचारा सीधा खड़ा रहता था, रिहर्सल देखता रहता था। और रिहर्सल देखने के बाद जितने एक्टर्स चुने जाते, 30 या 40 एक्टर्स थे, उसके बाद वो प्ले हो जाता और उसकी बारी नहीं आती। तो ऐसे कुछ एक्टर्स थे जो बैक पीछे खड़े हुए थे, जिनकी फीस पेंडिंग थी, और व्हाटएवर द रीज़न कुड बी,
दोज एक्टर्स वर हैंडेड टू मी, वो एक्टर मुझे मिले थे शायद, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज सारे फ्रेशर और सारे डिप वाले बंदे थे। तो ये बंदा आता है पाल बिल्कुल डरा हुआ, और वो हमको बोले हैं सर आपको नौकर का ज़रूरत है। तो मैं देखा, मैंने कहा यार इसको मैं क्या बताऊँ कि मैं भी फर्स्ट डायरेक्शन देने जा रहा हूँ और मेरा कोई एक्टिंग सिखाने वाला कोई गुरु नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से डैट, बट यस एक बार ऑडिशन में गया था जब मुझे मैडम आशा, आई थिंक उषा, शी वॉज एन एक्ट्रेस फ्रॉम भोजपुरी, और उन्होंने ये कहा था कि रशियन स्टाइल ऑफ एक्टिंग होता है कि आप किसी नेचुरल एक्टिंग को देख करके सीखो। तो मैं भी आप लोग से कहता हूँ, अगर आप लोग को कुछ इमोशनल सीन देखना है जो मैंने पार्ट वन में दिया था, इमोशनल सीन सीखना है तो आप जाइए। कहाँ? सिंपल, गो टू एनी ऑफ द हॉस्पिटल्स, वहाँ पर आपको रियल सीन देखने मिलेगा। कहीं पर फाइट का सीन है तो आप दूर से देखिए कि उसके अंदर पब्लिक का रिएक्शन, पब्लिक का बोलना क्या है, या फिर वो जो नकली भिखारी है वो कैसे करके भीख मांग रहा है, या फिर वो बंदियाँ बच्चे छोटे छोटे लाकर, भाई साहब हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। तो यार बहन तू कर क्या रही है, तू भीख नहीं मांग रही, बच्चा घसीट के लेकर के आई है, बोल क्या बोलना है? आप ना हमको पैसा मत दो, ये सामने से ना चार रोटी दिलवा दो, बच्चा भूखा है। अच्छा बच्चा वो खेल रहा है तो उसको पकड़ के, या छोटा बच्चा वो हमेशा इन भिखारियों की गोद में। आई एम रियली शॉक्ड कि गवर्नमेंट इस चीज़ को चेक करे। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि बच्चा चोरी का है, मुझ पर प्लीज कोई कानून ना लगाए जाए। तो वो बच्चा ना या तो 90% सोया हुआ मिलेगा, इतना छोटा बच्चा हुआ, अगर बड़ा हुआ तो खेलता हुआ मिलेगा, ठंड हो ये हो, ठंड में इतने छोटे छोटे कपड़े, भाई साहब इसके दो कपड़े दिलाने हैं, अच्छा अभी आप खाना ही खिला दो, वट एवर दे गना से। एंड कितनी नेचुरल एक्टिंग करते हैं, गरीब तो होते हैं इसमें कोई डाउट, बेरोजगार आदमी होता है तो गरीब ही होता है, बट माँ जो होगी वेल ड्रेस्ड होगी, कपड़े अच्छे हैं, बस बच्चा भूखा है, अपने लिए नहीं मांग रही, बच्चे के लिए मांग रही। तो इफ यू सी द साइकोलॉजी ऑफ एक्टिंग फ्रॉम रियल टू द थिएटर, तो उसके अंदर अगर आप डायलॉग्स में फंसे उलझे, जैसे मैं ये सब कुछ एक्सटेम्पोर बना रहा हूँ, अगर आप डायलॉग में उलझे तो नहीं कर पाओगे। अभी तीसरी बात मुझे पाल को समझाना था, एंड वेर एवर यू आर पाल, आई वुड लव के जहाँ भी हो तुम एक बार मुझे हाय बोलो। तो वो पाल जब आया ना, तो सर ने कहा है कि आपको नौकर का रोल का, तो मैं देखता हूँ कि यार अब इसको क्या समझाऊँ। छोटे मैंने कहा कि नौकर का चाय बन गई, तो एकदम से शॉक हुआ वो कि चाय, सर आप क्या चाय पियोगे, चाय लाने लाना है क्या? तो मैंने कहा कि यार तू जा, तेरे से होगा नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? पाल। ओके गो, तेरे से नहीं होगा भाई। तो उस बेचारे को एक तो हिंदी नहीं आती, दूसरा परफॉर्मेंस में भी इतना खुद ही आके कह रहा है कि नौकर का रोल है और दूसरे वाले टीचर ने मेरे पास भेजा है। तो यार अभी तीस तो बात समझो, मैंने ये क्या कहा, चाय तैयार हो गई, कुछ ना कुछ जवाब देना था उसको। और यही एक्सटेम्पोर एक्टिंग मैं लगभग 10 एक्टर्स को सिखा चुका था, हम 10 फ्रेशर को लेकर, एक्सेप्ट फॉर वन एक्ट्रेस एंड शी वॉज फ्रॉम उत्तराखंड आई थिंक, एंड अ बिग नेम अनीता। तो वो अनीता जो है वो शायद 20-25-50 यानी काफ़ी प्ले कर चुकी थी, शी वॉज वर्किंग इन दैट थिएटर कंपनी। और उसके अलावा इवन मैं भी नया था जो डायरेक्शन देने जा रहा था। तो सेकेंड डे वो चला जाता है बेचारा, इतना सीधा मैं सोच रहा हूँ यार ये क्यों चला गया, इसको आके जिद करना चाहिए कि नहीं सर मुझे काम चाहिए, तो नहीं करा, वो चला गया सचमुच, ऑफिस दे चुका था। अब वो सेकेंड टाइम फिर आता है, नेक्स्ट डे आने के बाद, सर वो नौकर का तो फिर आ गया, चाय बन गई, कहाँ से बनेगी चाय, दूध ना है, पत्ती भी नहीं है, गैस खत्म है। एंड आई गॉट ब्राइट नाउ, है अच्छा अच्छा आ जा बेटा, अब तू सही कैरेक्टर में उतर चुका है। वही पाल, यू वॉन्ट बिलीव कि एक सीन थिएटर का पावरफुल चल रहा है और उसके अंदर मैं डायलॉग बोलने वाला हूँ और विंग के उस तरफ देख रहा हूँ, और मैं बोलने से पहले मैं मुड़ूंगा क्या, और पब्लिक ऑडियंस जो है वो हंस रही है,
तो मैं सोचा कि खुदा, अच्छा हम लोगों ने पहले ही एक वो माहदा सा कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट सा था कि जब पब्लिक तालियां मारेगी या हंसेगी तो टाइम देना है थोड़ा और मस्ती का, थोड़ा फ्रीज हो जाओ, थोड़ा खामोश हो जाओ एंड गिव देम द टाइम। तो जो भी डायलॉग मारना है, जिस डायलॉग पर पब्लिक हंसती, तो हम लोग टाइम देते थे। तो यहाँ मैं जैसे ही डायलॉग स्टार्ट करने वाला हूँ, पब्लिक पहले हंस दी, तो मैं बोला यार अभी तो सीन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो लाइट फेड इन हुआ है एंड व्हाट्स हैपनिंग। तो मैं ऐसे ही खड़ा रहा, अब मैं सोचता हूँ यार पब्लिक और ज़ोर से हंस पड़ी। सेकेंड टाइम ऐसी मैं यार खुदा हो क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पाल ना, वो नौकर तो था, हाथ में लाठी लेकर के ऐसे घुमा रहा था मेरे पीछे, ऐड कर रहा था उसने, ये सीन था नहीं। अब वो घुमा, उसका मतलब एक एक्शन भी पब्लिक को, ऑडियंस को पसंद आ रहा है। तो एक बार आप कैरेक्टर में उतर जाते हो, बिलीव इट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं, ऑडियंस आपकी हो जाती है। सो व्हेन इट कम्स टू योर परफॉर्मेंस, फर्स्ट थिंग जो आज मैंने आपको बताया है कि चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो इमोशनल सीन हो, चाहे वो, कंटिन्यू करते रहिए, लाइंस आपके आगे पीछे हो रहे हैं, मत डरिए। अगर आप थिएटर पे हैं तो आपको एक ही चांस मिल रहा है परफॉर्मेंस का। अगर आप कैमरे पर हैं, आप रीटेक दे रहे हैं, तो फिर आप अपने इमोशंस को नहीं भूलेंगे। आपने देखा होगा कई बार एक्टर, माँ चलो आज कॉमेडी में आपको हंसने वाला दिखाता हूँ, माँ मेरी शादी करा देना। ए गंवार, शादी होती है शादी, शादी नहीं होती, बाप की तरह गंवार है। और ये तो गुटखा खाने लगा है ना, तेरी उम्र पता है कितनी है? मैं जितनी भी है, मैं 16 साल से ऊपर का हो गया हूँ, और ये गुटखा नहीं है माँ, ये पीवा है पास पास, सुन बत्तरीस। और ये ऐसा हरकतों से कोई लड़की का बाप तुझे बेटी नहीं देगा, मैं देगा ना। तेरी जो सहेली थी ना सरोज आंटी, मुझे मुड़ मुड़ के देख रही थी, माँ तू उसी से बात करना, उसकी बेटी बड़ी चौकस है माँ, बड़ी चौकस। कभी ना तेरी भाषा तो सुन, चौकस माँ शादी तो कराती नहीं है, टप्पड़ मार रही है, 16 साल का हुआ है और 18 साल। माँ हो तू 6 फुट का, पापू से भी लंबा हो गया हूँ, चल अच्छा जा। कहाँ जा? संतोष आंटी को बुला के ला, टांगे तोड़ दूंगी। दोबारा लड़की का नाम भी लिया या उसकी माँ का नाम लिया, माँ तुम्हारी कसम है ना, अच्छा बच्चा मेरी कसम खाए मत, मुझे यकीन है तू नाम नहीं लेगा, तू शरीफ है मेरी तरह, माँ तुम्हारी कसम अभी जा रहा हूँ संतोष आंटी को बुलाने, माँ माँ बाय बाय। तो बहुत सारा आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो डिपेंड करता है कि आप कितना उछल कर कूद कर, अगर एज वाइज इफ यू आर डूइंग इट, बट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग द लाइंस, इसको मैं दोबारा आपको बताता हूँ, यही वाला सीन, माँ माँ मेरी शादी करा दे माँ, चल हट, शादी होती है शादी नहीं होती, माँ अब जो भी होती है माँ प्लीज़ मेरी शादी करा देना माँ, देख अब मैं जवान हो गया हूँ। कहा ना तेरी इस गंवारपंती पे कोई लड़की का बाप तुझे लड़की नहीं देगा। तो यू आर रीडिंग लाइंस, आप लाइंस पढ़ रहे हो, आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो। एंड प्लीज़, जब भी मैंने देखा है डायरेक्टर्स को समझाते हुए, तो कम इन द कैरेक्टर, कम इन द कैरेक्टर, कैरेक्टर कैरेक्टर में आओ, कैरेक्टर में आओ। अरे आप उनका डाला गया भिड़ू, बी कैरेक्टरलेस, कैरेक्टर अपना बनाओ, कैरेक्टर में आओ। और आओ को कौन समझाओ, जैसे आप बदमाश का सीन कर रहे हैं, हैं? उसमें आपको ले चलते हैं। लेकिन अभी कॉमेडी की टाइमिंग में आपको एक चीज़ और बता दूं कि कॉमेडी की जो टाइमिंग्स होती हैं, जैसे मैंने बताया कि वो पीछे नौकर अगर वो डंडा घुमा रहा था तो मैं रुक गया, उसके बाद जब मैं धीरे से विंक से पीछे देखता हूँ, अरे वो तो डंडा घुमा रहा है, तभी पब्लिक हंस रही है, तो मैं बोला चलो ये बड़ा सीन नहीं है, अब मुड़ जाओ। अब मुड़ने के बाद फिर मैंने डायलॉग स्टार्ट करा, उसके बाद जो कॉमेडी बनी, पब्लिक पहले ही हंसी मजाक के मूड में थी। और वो जो टाइमिंग होता है थोड़ा सा, एक आपको उसका ध्यान रखना है, दूसरा वाला अगर स्लैपस्टिक है, खट 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 खट, माँ मैं जा रहा हूँ शादी करने, तू नहीं करा रही किसी और से कर लूंगा, ए खबरदार, तो कह तेरी टांगे तोड़ो, माँ तू हतलाती रहना, मैं चला, माँ 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 कसम से कह रहा हूँ, वो जो आती है ना कामवली,
बेटी वो बुढ़ी, बेटा वो बुढ़िया है। हाँ मुझे तो बेटी समझो, अब मैं बेटी थोड़ी ना हूँ, बेटा हूँ। उस बुढ़िया से नहीं, उस बुढ़िया की बेटी से कर लूंगा। बिहार में रहती है ना वो, बिहार में रह। तो अगर आप स्लैपस्टिक में हो या स्लो में हो या टाइमिंग में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कॉमेडी में इतना टाइमिंग क्यों डायरेक्टर मांग रहा है या एडिटर कैसे कर करके सीन को बढ़ाएगा, वो आपका लुकआउट नहीं है। वेन यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, रीटेक का चांस मिल रहा है, लेकिन थिएटर के अंदर आपका ट्यूनिंग होना चाहिए आपके को स्टार के साथ। आपके डायलॉग उसके डायलॉग सिंक होने चाहिए। और कई बार अगर आप थिएटर में हो और आपका सामने वाला को स्टार कुछ और लाइंस बोल देता है, अभी रिसेंटली की बात है, एक प्ले देखने गया था और चांस की बात है कि लोग मुझे सीनियर बोलकर करते हैं, एंड ऑन द स्टेज 2 घंटा पहले मुझे, और वो डायरेक्टर बहुत मेहनत कर रहा था, आई थिंक दैट प्ले वॉज अमीना बिकती है, यस, और उसके अंदर डायरेक्टर बहुत मेहनत कर रहे थे। तो उन्होंने ये मुझे 2 घंटा पहले कहा कि एक रिपोर्टर का वो है, आप कर लो। तो आई सेड नो नो, आई एम अ डायरेक्टर, मैं एज एन एक्टर नहीं करना चाहूँगा यार, मुझसे अब तो बहुत मेहनत से आपके सारे एक एक स्टेप ब्लॉकिंग बहुत मेहनत करी थी उन लोगों ने, आई कॉन्ट इवन इमेजिन डैट हार्ड वर्क। तुम कहा कि नहीं नहीं वो रिपोर्टर का आपने कपड़े वैसे पहने हुए, आप रिपोर्टर का रोल कर लोगे। तो भाई रिपोर्टर के लिए हम तैयार तो थे नहीं मेंटली, लेकिन फिर भी हमने उनकी बात रखने के लिए हमने हाँ कर दी। अब हाँ करने के बाद ये होता है कि वो बैग वैग लगा हुआ था, और लगा हुआ होने पर इंस्टेंट अब लाइंस मुझे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, कैरेक्टर जो मेन है थिएटर का, उसके साथ मुझे सीन करना था। और वो सीन के अंदर वो बैग वैग लगा हुआ था मेरा, कोट तो मैं ब्लू पहनता हूँ, इस टाइप का नहीं, थोड़ा और कॉर्पोरेट टाइप का। सो ओवर देयर द मोमेंट मैं रिहर्सल क्या करूँ, 1 घंटे के अंदर तैयार होना है, नेक्स्ट आर तो पर्दा गिरेगा। जब मैं कर रहा हूँ तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो थोड़े अकड़ में था, वो बड़ी गाड़ी में आता था, मैं बस में गया हूँगा शायद या मेट्रो में गया हूँगा। तो उसने छुट्टी जैसे कहा तो कहने लगा आप ऐसे नहीं, आप ऐसे, तो एकदम से गुस्सा फूट पड़ा कि यार मेरी तो, सॉरी फॉर द वर्ड, मेरी तो फटी पड़ी है और तू मुझे सिखा रहे है। तो आई डिडंट से ऑल दैट, आई सिंपली सेड डोंट वरी, स्टेज के ऊपर मैं किंग हूँ, स्टेज के ऊपर मैं किंग हूँ। मैं बात तो इतनी बड़ी बोल गया क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो रिहर्सल करे, और जैसे मैंने उसको कहा कि तू स्टेज का परवाह मत कर, मैं किंग हूँ, और मुझे मेरा को स्टार लाइन्स याद कराने के बदले वॉकआउट कर गया। यार अब क्या होगा, तो यानी कि ये रोल किसी और ने तो याद करा होगा, ये रोल पहले कौन कर रहा था। अब उस बंदे को बुलाया, भाई इसको क्यों रिजेक्ट करा, भाई इसकी पर्सनैलिटी प्रेस रिपोर्टर की लग नहीं रही थी इसलिए चेंज करा है, अब उस बात छोड़िए, इसको लाइन्स याद है, इसके साथ कर लीजिए। तो फिर वो लाइन्स बोल रहा है, कौन सा, दूसरा वाला, मेरा को स्टार वाला लाइन वो बोल रहा है जो हीरो भागा है। अब करने के बाद अब जब मैं स्टेज पर पहुंचता हूं, वो हीरो फिर आता है, आने के बाद लाइन चेंज कर देता है, ये क्या है तुम्हारे हाथ में। तो मैं कहता हूं ये, अब मैं इसको बोल चुका था कि स्टेज पे मैं किंग हूं। ये एक बहुत बड़े पॉइंट है कि अगर आपका को स्टार कोई लाइन्स चेंज करता है या भूल जाता है, उस वक्त आप उस सिचुएशन को कैसे पकड़ोगे, कैसे हैंडल करोगे। एट दैट मोमेंट द फर्स्ट थिंग विच आई डिड, पहला ही काम मैंने ये करा कि जैसे उसने बोला ये क्या है, तो मुझे पता था कि अगला लाइन एकदम एग्जैक्ट पकड़ के ठक से मारना है। तो मैंने कहा इसको छोड़ो, ये रिकॉर्डर है, मैं तो उसका इंटरव्यू ले रहा था, प्रेस रिपोर्टर। तो द मोमेंट आई सेड इसको छोड़ो, ये तो रिकॉर्डर है, आप जवाब दो, उसके बाद एक खतरनाक सवाल था, आपके इतने सारे बच्चे क्यों हैं। फिर हम लोग वापस सीन पे आ चुके थे, डेट वेंट ऑफ वेल। डायरेक्टर जो पीछे खड़ा था, जो पूरा एग्जैक्ट लाइंस एग्जैक्ट वर्ड सबको रिटाया हुआ था, वो कहता है जब उसने लाइन चेंज करा या ऐड करा, चेंज नहीं करा था, ऐड करा था कि ये क्या हाथ में, जो माइक की जगह मुझे फ़ोन दिया गया था। तो कहते हैं उस वक्त वो डर गया कि मैं नहीं संभाल पाऊँगा, एंड ही वॉज हैप्पी कि सर आपने तो कर लिया, या तो टुक्का मार देता हूँ कोई बात नहीं, ऑन द स्टेज आई एम नेवर नर्वस। एनी हाउ दो बातें कि इफ़ यू आर नर्वस यू वोंट बी एबल टू डू इट। फर्स्ट थिंग
आप अपना नर्वस होना कैसे ख़त्म करोगे? इसलिए दो तीन स्टाइल में, फॉर एग्जांपल अगर आप गाना गा रहे हो, जाती हूँ मैं, पहले आवाज़ ख़राब कर लो, बुरा कर लो, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, और फिर आवाज़ अच्छी कर लो। जब आप दोबारा इसी लाइन को गाओगे तो इससे आप ये चीज़ को रियलाइज़ कर लोगे कि हाँ, यू कैन परफॉर्म। अगला एपिसोड में गैंगस्टर का देने वाला हूँ, क्रोध और गुस्सा और नेगेटिव कैरेक्टर, ये वाला यहाँ पे ख़त्म करूँगा। अब वो गाने की जो बात मैं कह रहा था, गाना हो या डायलॉग हो, ये हो, पहले उल्टा सीधा स्टाइल में बोल लो, उसके बाद फिर कैरेक्टर के स्टाइल में बोलो, तुमको नज़र आ जाएगा कि कितना फ़र्क तुमने खुद ही पैदा कर लिया। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा।